बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फाज और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। खैरियत होंगे, मेरी दुआ में देखना जहाँ भी रहे हमेशा खुश हैं। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, सामने बेल आइकन को प्रेस कर लें, शुक्रिया। तो जी अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का तकरीबन, और आज सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा है। ये देखो यार, कल जितनी गर्मी थी अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम कर दिया यार, ठंडा। ऐसा लग रहा है यार शाम के 4:30 या 5 बजे होते हैं, मतलब अब आज का जो सर्दियाँ भी आ रही है तो मौसम भी अच्छा हो गया। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं इसी तरह अच्छे मौसम के साथ। अभी दोस्तों खाना हो गया डन, आज हमने बनाया था चिकन वाला सालन और वो ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं मतलब फिनिश कर लिया। तो अब हमने अपना खाना खा लिया, अब देखते हैं मीठे में क्या। जी अभी गाइस हमने की डाल दी है, इसमें थोड़ी सी और डाल देते हैं। तो जी ये खीर है और अभी हम टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है, चेक करते हैं इसको। कल भी बनी थी लेकिन आज ज़्यादा मज़े की बनी है। टेस्टी, ये ज़बरदस्त है खीर का, इसको 10/10 नंबर देंगे, 10/10। तो गाइस आप देख रहे होंगे ये केक क्यों आया, ये केक जी अभी हमारे रिश्तेदार आए वैसे नानू की तरफ से, तो मेरे ये कज़न लेके आए हैं केक। तो अभी इस केक को काटते हैं, घर वैसे किसी की बर्थडे वगैरह तो नहीं है, इंशाल्लाह नवंबर में आने वाली है मेरी सिस्टर की, तो एक तरफ से एडवांस अपनी बर्थडे हो जाएगी, लेकिन वीडियो में मैं ही काटूँगा और मैं केक ये काटते हैं। तो अभी 10:30 का टाइम है और बाहर अभी रात है लेकिन गर्मी बहुत है। केक मैंने आपको चेक करवा दिया था, ये क्रीमी सा केक है और इसको फोर्थ तरफ से मैं ज़रा इसको खोल लूँ। ये लीजिए, इसको चारों तरफ से केक को खोल लिया है। तो ये केक है और इसके ऊपर पाइन एप्पल्स वगैरह लगे हैं। थका हूँ यार थोड़ा बहुत, लेकिन आज स्कूल तो नहीं था, आज सैटरडे था, स्कूल गया नहीं था, स्कूल है मंडे को, लेकिन थोड़ा बहुत आपका भाई थक गया यार, थकन हो गई है। तो अभी स्टिल देखते हैं छुरी वगैरह इसके लिए, तो अभी मैं छुरी ले लेता हूँ केक काटने के लिए। मामा छुरी दे दें केक काटने के लिए। ये चाय भी गाइस अभी बन के आ रही है, केक के साथ चाय, खीर भी बनी हुई है, मैं हो सकता है खीर ही खाऊँ, केक सुबह खाऊँगा। ये छुरी है, तो अभी हम बर्थडे वगैरह किसी की नहीं है, केक है। तो अभी ये गाइस ये वाला जो केक है ये वाला कट करूंगा मैं, अभी घर वाले आ जाए तो अभी इसको केक कट करते हैं। मामा आ जाए, मैं केक कट कर रहा हूँ। इधर गए 10:30 बजे का टाइम है और पहले भी मैंने खुद गए, आ जाओ मैं केक कट कर रहा हूँ, जरा मेरी वीडियो बनाना, आ जाए ना। तो जी अभी मैं इसको केक कट करता हूँ, हैप्पी बर्थडे किसी ने नहीं बोलना। तो जी अभी गाइस मैं केक कट करता हूँ, तो अभी केक कट कर लेते हैं। इसको साइड से ये केक कट हो गया, काफी मजे का केक है और अभी मैंने खाया भी है, एंजॉय, टेस्टी, मजेदार, सुपर मजा आया कि नहीं। तो इस पे एक वर्ड हो रहा है जी, जिदा बा मुबशरी, यार मजा ही आ गया। अच्छा वर्ड टू केक, बहुत टेस्टी केक, हमेशा की तरह केक मजेदार। और इसको एक नहीं, मैं सुबह खाऊंगा केक।
सिस्टर की शर्ट तुम करके देखो। यूट्यूब पे जाएगी ना, ज्यादा क्यों नहीं गया? देखिए गाइस पूरा पीस उठा के आधा केक खा लिया मेरे लिए गाइस। व्हाट द बिहेवियर पूजा गाइस, आप चेक करते हैं कितना बड़ा पीस है और ये मेरे भाई ने लिया छोटा था भाई। तो मैं अभी केक खा लेता हूँ, इससे पहले सारे केक खा ही ना जाए। बर्थडे शर्डे किसी की नहीं, मैंने पहले बता दिया, मेरी जब होगी तो पता चल जाएगा, ठीक है ना? भाई को विश करना है। तो आज ये मेरी सिस्टर का केक है, एक काफी बड़ा सा पीस है। चेक करता हूँ, और ये चाय है, ये केक है, काफी मजे का उठा रहे हैं केक का। गत्ता नहीं खाना, ठीक है भैया? तो जी गाइस, अभी है रात का टाइम और यहाँ पे अभी मैं बेड पर बैठा हूँ, इस बेड पे इधर जरा एक और तक सीधा कर, और इधर आप से दोस्तों गाइस, तो वीडियो में मैंने आपसे एक बात करनी थी और एक मशवरा मांगना था जी। बात कुछ इस तरह है कि हमारा जो कंटेंट है वो ब्लॉगिंग से होता है, और मैंने कहा भी था आप लोगों के 28 अगस्त से डेली ब्लॉग देंगे, मीन कि आज 28 अगस्त और एक ब्लॉग अपलोड हो चुका है दोपहर, बल्कि सुबह के सुबह ही तकरीबन। तो जी हम डेली ब्लॉग्स कर रहे हैं और सीधा होके बैठ जाता हूँ मैं। तो जी अभी इंशाल्लाह अब सितंबर आ रहा है, मतलब 29, 30, 31 तीन दिन बाद सितंबर, सितंबर के महीने में सितंबर की 10 तारीख के बाद, 10 के बाद या 11 के बाद हो सकता है जी कोई टूर शूर का प्लान बने। वो एक दिन का भी टूर हो सकता है, वो एक महीने का भी टूर हो सकता है, वो एक हफ्ते का भी टूर हो सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, एक दिन का, एक हफ्ते का, या मिनिमम एक दिन का, मैक्सिमम 1 मंथ, तो इतना टूर आप चेक कर सकते हैं। मैं कंफर्म भी आपको नहीं कह सकता और मैं आपको कह भी सकता हूँ कि हो सकता है, इसमें मैं मे बी इंशाल्लाह हो सकता है दिसंबर या इस महीने सितंबर की 10 के बाद, तो इंशाल्लाह ज़रूर दिसंबर की लास्ट में, क्योंकि हमें है ऑफ सर्दियों का, सर्दियों की वेकेशन, विंटर वेकेशन मींस 10 डेज या उससे अबव तो हो सकता है तब, या सितंबर में हो सकता है छुट्टियां हो जाए सितंबर के 10 के बाद, जिसना कोरोना है उसकी वजह से। तो जैसे ही अगर छुट्टियां वगैरह होती हैं सितंबर के बाद होती हैं, तो एक दिन का भी उस टाइम बन सकता है, एक हफ्ते का भी बन सकता है, या एक महीने का। और जो दिसंबर है, दिसंबर में तो इंशाल्लाह 10 दिन का बनेगा, या मरी जाएंगे, या एबटाबाद, या नारा। तो ठीक है, मेरा फर्स्ट टाइम होगा इन तीनों जगह पे, मैं कभी नहीं गया इन तीनों जगह पे, ना मरी, ना नारा, ना कुरान, ना नारान, ना क्या कहते हैं अपना, ये कौन सी जगह है, एबटाबाद, और ना इधर। तो इंशाल्लाह देखो कि कब बनता है टूर का प्लान, जैसे भी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा हर डेली ब्लॉग में। तो मेरे ख्याल से आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल मिडिल बॉय फात को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, बहुत सारा प्यार, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।